हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, ऑप्शनल ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे अप्लाइड ज्योग्राफी या व्यवहारिक भूगोल। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2017 में एक क्वेश्चन आया था समय भूगोल पे। तो उसमें यही था कि जो समय भूगोल की संकल्पना है उसे स्पष्ट कीजिए, और वो 150 वर्ड्स में केवल लिखना था, यानी कि इजी क्वेश्चन था, 150 वर्ड्स में लिखना था, और उसके लिए आपको 10 मार्क्स दिए जा रहे थे। लेकिन देखिए, उसकी खासियत ये थी कि आप उस क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते थे, यानी अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते तो आपके 10 मार्क्स चले जाते। कुछ क्वेश्चन आप जानते हैं यूपीएससी इस तरह के देती है जिसमें आपके पास च्वाइस होती है कि किसे सॉल्व करेंगे। तो व्यवहारिक भूगोल से भी जब कभी क्वेश्चन आएगा तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इसी पैटर्न पे आएगा, यानी कि इजी क्वेश्चन होगा, शॉर्ट में लिखना होगा, लेकिन उसको आप स्किप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, मैं आपको जो व्यवहारिक भूगोल है वो इस तरह से बताऊंगा कि अगर डिस्क्रिप्टिव आता है तो भी आप लिख लें, और अगर शॉर्ट में आता है तो भी आप लिख लें। तो देखिए, भौगोलिक ज्ञान को व्यवहार में प्रयुक्त कर समस्याओं का समाधान करना व्यवहारिक भूगोल का लक्ष्य है। यानी कि जो देखिए, हमने अलग अलग तरह का भौगोलिक ज्ञान कलेक्ट किया है इतने वर्षों में भूगोल के, तो अब ये जो जियोग्राफर्स हैं वो मानते हैं इसे अप्लाई करने की ज़रूरत है। यानी कि जो दुनिया में हमें समस्याएं दिख रही हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन की हो, चाहे अलग अलग बीमारियां हो, तो इन सभी समस्याओं से लड़ने के लिए अब भौगोलिक ज्ञान को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो यही चीज़ कहलाई व्यवहारिक भूगोल, यानी भौगोलिक ज्ञान को व्यवहार में प्रयुक्त करना, अप्लाई करना, और उससे फिर समस्याओं का समाधान करना। तो देखिए, ये स्थानिक विश्लेषण पे जोर देता है, यानी कि जो अलग अलग स्थान है उनमें अलग अलग समस्याएं होती हैं, उनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, तो इसीलिए उनकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान भी अलग अलग होंगे। तो यानी कि देखिए, जो यूपी की समस्याएं होंगी उनके समाधान जो होंगे वो आप कह लीजिए कर्नाटक की समस्याओं से अलग होंगे, तमिलनाडु की समस्याओं से अलग होंगे, तो इसलिए ये स्थानिक विश्लेषण पे जोर देता है। और देखिए, इसमें जीआईएस का प्रयोग होता है, रिमोट सेंसिंग का प्रयोग होता है, आंकड़ों का विश्लेषण होता है। तो अप्लाइड जियोग्राफी में इन सारे चीज़ों का आप कह लीजिए यूज करके और फिर किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है, समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए किसी विषाणु का फैलाव हो रहा है, यानी कि कोई ऐसा विषाणु है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है लोगों के लिए और इसका तेजी से फैलाव हो रहा है, तो सबसे पहले तो हमें समझने की जरूरत पड़ेगी कि यह किन क्षेत्रों में विषाणु उपस्थित है, यानी कि किन किन क्षेत्रों में इस विषाणु की उपस्थित है और कहाँ कहाँ के लोग संक्रमित हैं। उसके बाद उस स्थान के जो लोग हैं, अब हमें उन्हें दूसरे स्थानों पर जाने से रोकना होगा जिससे कि उनके साथ ये विषाणु दूसरे स्थानों पर ना जा पाए। जैसे कि हमने इबोला का केस देखा था, तो इबोला में यही किया गया था कि जो ऐसे स्थान थे जहाँ के लोग संक्रमित थे तो उन्हें फिर किसी भी देश ने अपने आप बिना चेकिंग के आने नहीं दिया था, तो इस तरह के कदम उठाए गए थे। तो देखिए, इसके लिए क्या जरूरी है कि हमें उस क्षेत्र विशेष की पूरी जानकारी हो जहां पे ये वायरस फैल रहा है। तो वहाँ पे जो जीआईएस है, यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, तो इसकी मदद से, रिमोट सेंसिंग की मदद से हम मैपिंग कर सकते हैं उन इलाकों की, वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तेजी से प्रसार हो रहा है इस वायरस का। तो ये सारी चीज़ें जान के एक तरह से हम उस क्षेत्र को सीमांकित कर पाएंगे जहाँ पे ये जो विषाणु है वो आप कह लीजिए कि हानि पहुंचा रहा है या वहाँ के लोगों को संक्रमित कर रहा है, और उससे फिर हम रोकथाम भी अच्छी कर पाएंगे और वहाँ के जो लोग हैं उनको आराम अच्छे तरीके से हम उन पर नज़र भी रख पाएंगे, मॉनिटरिंग भी कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनकी भी लगातार मॉनिटरिंग जरूरी होगी, जिससे कि ऐसा ना हो कि कोई उससे प्रभावित हो जाए वायरस से और बाद में हमें पता ही ना चले। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए ये जो जीआईएस है, रिमोट सेंसिंग है, ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके साथ ही देखिए, इस तरह के जो मैप हैं उनकी एनालिसिस करने से हमें यह भी पता चलेगा कि कोई जो विशेष प्रकार का विषाणु है वो कुछ ही जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उन्हीं में इतने ज़्यादा तेजी से क्यों फैल रहा है, यानी कि वहाँ पे कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से ये जो विषाणु है वो फैल रहा है। मान लीजिए हम टीबी की एनालिसिस कर रहे हैं तो हो सकता है हमें दिखाई पड़े कि जहाँ जहाँ पे कुपोषण बहुत ज़्यादा है, यानी जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कुपोषित हैं, वहाँ पे जो टीबी का वायरस है वो बहुत ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। तो इस तरह से जो भौगोलिक आप कह लीजिए जो क्षेत्र हैं उनकी हम एनालिसिस कर सकते हैं और ऐसे निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं जिनको अप्लाई किया जा सके और जिनसे जो आम लोग हैं उनकी भलाई की जा सके। तो जलवायु परिवर्तन के लिए भी देखिए अधिक सक्षम रणनीति बनाई जा सकती है। अब मान लीजिए कि किसी कोई ऐसी रोड है जिसपे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है, तो अब हम उस क्षेत्र की एनालिसिस कर सकते हैं, हम उसका एक जीआईएस की मदद से मैप बना सकते हैं, ठीक है, रिमोट सेंसिंग की मदद से हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पे कितने वाहन रहते हैं और उसकी वजह से कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, और फिर उसके बाद हम ऐसे मार्ग जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है, जहाँ पे जो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे फिर अल्टरनेटिव व्यवस्थाएं कर सकते हैं, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छे से डेवलप कर देना, मेट्रो की लाइन्स चला देना, तो उससे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा उसके डेवलप हो जाने से देखिए जो जलवायु है जो बहुत ज्यादा प्रदूषण है तो वो चीज कम हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि लोग जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने लगेंगे तो फिर निजी वाहनों की संख्या में कमी आ जाएगी और फिर जो उनसे उत्सर्जित होने वाले आप कह लीजिए पदार्थ हैं, जैसे कि CO2 वगैरह है, SO2 है, तो इन सब में भी कमी आ जाएगी। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन के लिए भी हम अच्छी रणनीति अपना सकते हैं अगर हम अप्लाइड जियोग्राफी का इस्तेमाल करें।
हर्बर्टसन कहता है कि ये जो अप्लाइड ज्योग्राफी है ये जियोग्राफी को देखने का एक विशेष नज़रिया है, यानी स्पेशल वे ऑफ लुकिंग है, और इसके साथ ही जो इसके अंतर्गत स्टडी की जाती है वो किसी विशेष क्षेत्र की स्टडी की जाती है, यानी कि एज ए होल पूरी जियोग्राफी की स्टडी ना करके किसी विशेष क्षेत्र की स्टडी की जाती है। अब देखिए, मार्केट एंड लोकेशनल एनालिसिस, इसकी आप स्टडी कर सकते हैं, यानी कि बाजार और अवस्थित विश्लेषण। इसके साथ ही लैंड यूज़, यानी कि जमीन का आप कह लीजिए कि किस तरह से बंटवारा है लोगों के बीच में, और किस तरह से जो जमीन है वो प्रयोग की जा रही है, कितनी जमीन जो है वो कृषि के लिए यूज़ हो रही है, और इस तरह से भी आप स्टडी कर सकते हैं। यानी कि अब देखिए, आप पूरे जियोग्राफी की स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप केवल एक स्पेसिफिक भाग की स्टडी कर रहे हैं, यानी आप केवल जो लैंड है उसकी स्टडी कर रहे हैं। ऐसे ही आप इन्वायरमेंट की स्टडी कर सकते हैं, यानी इन्वायरमेंटल इशू एंड पॉलिसी की। मेडिकल जियोग्राफी की स्टडी कर सकते हैं, यानी कि जो शहर में आपके अस्पताल बने हैं वो लोगों के लिए कितने एक्सेसिबल हैं और कितने लोग जो हैं वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। जैसे कि देखिए, भारत में आप देखते हैं समस्या है कि जो अच्छे हॉस्पिटल होते हैं वो केवल बड़े शहरों में होते हैं, तो बहुत से लोग तो इस चक्कर में जिनका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो हॉस्पिटल पहुँच ही नहीं पाते हैं, यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसके साथ ही देखिए टूरिज्म की, टूरिज्म का डेवलपमेंट कहाँ पे संभव है और किस तरह के वहाँ पे मार्ग बनाए जाने चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आसानी से आ सकें। तो यानी कि किसी क्षेत्र विशेष की स्टडी किया जाना और इसके साथ ही एक विशेष नज़रिए से स्टडी किया जाना, इसे हर्बर्टसन ने कहा कि ये जो है अप्लाइड ज्योग्राफी है। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ, क्योंकि अगर ये 20 मार्क्स वाले उसमें पूछ दिया गया तो फिर उसमें ये जरूर पूछ लेंगे कि इसके विकास में किन ज्योग्राफर्स ने अपना योगदान दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, डेडले स्टाम्प, डेडले स्टाम्प क्या कहता है कि भूगोलवेत्ता का ये अनूठा योग गलत है, यानी भूगोलवेत्ता का कार्य मानव और वातावरण के बीच समस्तता का दृष्टिकोण विकसित करना है, यानी कि मानव और वातावरण के बीच में जो अंतर संबंध है उनको स्पष्ट करना और कैसे मानव और वातावरण एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को बताना, तो ये भूगोलवेत्ता का कार्य है। और उसने देखिए खुद भी बुक लिखी, लैंड ऑफ ब्रिटेन, इट्स यूज एंड मिसयूज, यानी कि जो ब्रिटेन में भूमि थी तो उसका किस प्रकार से यूज़ किया जा रहा है, तो उस पर उसने अपने दृष्टिकोण को सामने रखा लोगों के। तो इससे ये जो व्यवहारिक भूगोल है इसने धीरे धीरे जोर पकड़ा, तो उसकी ये जो बुक थी जाहिर सी बात है फिर अप्लाइड ज्योग्राफी के क्षेत्र में ही थी। तो देखिए, इसके साथ ही इसमें जो सबसे बड़ा विकास हुआ है अप्लाइड ज्योग्राफी का वो कब हुआ है, वो हुआ है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार था उस टाइम पे। क्योंकि देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम आप जानते हैं कि जो ज़्यादातर पैसा था वो लग रहा था युद्ध में, तो सरकारें जो हैं जियोग्राफी को पैसा नहीं देना चाहती थी, तो ऐसे में जियोग्राफी ने धीरे धीरे अपना रूप चेंज करना शुरू किया जिससे कि वो जो ये सारे युद्ध वगैरह के काम हो रहे हैं तो इसमें कुछ अपना योगदान दे सके और जो जियोग्राफी विषय का महत्व है वो बना रहे। तो इस कारण से धीरे धीरे जो जियोग्राफी है वो अप्लाइड फॉर्म में जाने लगी, तेजी से जाने लगी। तो देखिए, पहले और दूसरे विश्वयुद्ध के समय राष्ट्रीय सरकारी कार्यालयों, सेना के विभागों और खुफिया विभागों में रोजगार सृजित हुए, यानी कि देखिए जो सरकारी कार्यालय थे तो उसमें ये सारी एनालिसिस करना कि किन क्षेत्रों में युद्ध चल रहा है उसकी मैपिंग करना, कहाँ पे हमारे सैनिक हैं कहाँ पे विरोधियों के सैनिक हैं, ये सारी मैपिंग करना, किन इलाकों के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। ऐसे ही सेना के विभागों में, यानी कि ये सब मैपिंग करके कि सेना की क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए तो उसे में उन्हें हेल्प करिए और ये बताइए कि किन क्षेत्रों में हमारा कब्जा है। इसके साथ ही मान लीजिए कोई सामान जाना है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो अब आप जानते हैं कि युद्ध चल रहा है तो जहाज को डुबोया भी जा सकता है, तो ऐसे में कौन से मार्ग सुरक्षित रहेंगे, किन मार्गों को लिया जाए जिससे जो रसद है हथियार है ये पहुंचते रहे। तो इन सारे कामों में जो जियोग्राफर्स थे उन्होंने अपना योगदान दिया। इसी के साथ जो खुफिया विभाग थे उनकी भी हेल्प की मैपिंग वगैरह करने में, इन सारी चीज़ों में। उसके बाद देखिए, जो पहला विश्वयुद्ध हुआ उसके बाद आप जानते हैं 1919 में एक पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो जो पेरिस कॉन्फ्रेंस थी वो एक तरह से समझौता करने का एक प्रयास था, जो देश जीते थे और जो हारे थे उनके बीच में एक समझौता करने का प्रयास था। तो देखिए, जो संसाधन आप जानते हैं, कई देशों ने एक दूसरे के जो संसाधन थे उन्हें हथिया लिया था, कई देशों का कहना था कि हमारे संसाधनों पे दूसरे देश कब्जा किए बैठे हैं। तो इन सारी समस्याओं का इस तरह से निस्तारण करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। तो ये कमेटी बनाई थी वुड्रो विल्सन ने, द इंक्वायरीज का नाम था। तो इसमें देखिए अलग अलग क्षेत्र के लोग थे द इंक्वायरी में, तो ये द इंक्वायरी जो थी इसमें जियोग्राफर्स भी थे। तो उन्होंने नक्शों में जो नदियां हैं, अलग अलग देशों की जो सीमाएं हैं, इन सभी का बहुत ज़्यादा इफिशियंसी के साथ आप कह लीजिए वर्णन किया। तो मान लीजिए कि जिस काम को अगर वर्ड्स में लिखा जाता तो बहुत ज़्यादा वर्ड्स में लिखना पड़ता और बहुत लंबा समय लगता, तो उसको इन जियोग्राफर्स ने बहुत ही आसानी से कर दिया, बहुत ही अच्छे से मैपिंग कर दी, जिससे ये जो बंटवारे वगैरह का काम था ये बहुत आसानी से हो गया। तो यहाँ से भी जो अप्लाइड जियोग्राफी है उसको बल मिला। तो इसी के साथ जो जॉनसन था, एक भूगोलवेत्ता था, उसने मिलिट्री भूगोल पे काम किया। इसी तरह से विलियम एप्लेबम था, उसने बाजार भूगोल पे काम किया।
और देखिए जो 1960 था, इसके बाद आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ी, तो जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम था यानी जो जीआईएस था, उसका उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा। और उसके बाद 1981 में जर्नल ऑफ अप्लाइड जियोग्राफी, ये एक तरह से आप कह लीजिए कि एक जर्नल पब्लिश होना शुरू हुआ जो अप्लाइड जियोग्राफी पे बात करता था। तो यूएसएसआर जो था, आप जानते हैं सोवियत संघ जो था, एक समय पे दुनिया जो है दो ध्रुवों में बटी थी, तो जो यूएसएसआर था या सोवियत संघ था, तो वहाँ पे आप जानते हैं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। तो जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है, उसका एक तरह से जो ध्येय होता है वो सामाजिक समानता स्थापित करना और इन चीज़ों में होता है। तो वहाँ पे सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पे ध्यान दिया गया व्यवहारिक भूगोल के माध्यम से। और 2003 में देखिए एक इंटरनेशनल जियोग्राफिक यूनियन बनाई गई। तो ये जो जियोग्राफिकल यूनियन है, ये अलग अलग आर्टिकल पब्लिश करती है और एक जगह पे ये अप्लाइड जियोग्राफी जो है इसके विषय में चर्चा करती है। तो इस तरह से जो इसका एक विकास है, उसके विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी मैंने दे दी। इसके साथ ही देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अप्लाइड जियोग्राफी है, इसका सबसे ज़्यादा जो विस्तार हुआ है वो प्राइवेट सेक्टर में हुआ है। यानी कि जो निजी क्षेत्र है उसने अप्लाइड जियोग्राफी का खूब ज़्यादा इस्तेमाल किया और उसकी वजह से कई सारे जो जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं उन्हें रोजगार मिला है। तो देखिए प्राइवेट सेक्टर की जैसे चिंताएं होती हैं कि कहाँ पर शॉपिंग मॉल स्थापित करें कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आएँ, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें भी अप्लाइड जियोग्राफी उनकी हेल्प कर पाती है। क्योंकि जो अप्लाइड जियोग्राफी है वो ये बता पाती है कि शहर का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, या फिर जहां पे लोग आएंगे मनोरंजन वगैरह के लिए या खरीदारी के लिए। तो देखिए अब मान लीजिए कि जहां पे लोग काम करने जाते हैं, तो उससे अगर थोड़ा सा आसपास जो है शॉपिंग मॉल होगा तो वहां पे आसानी से सामान बिक जाएगा, क्योंकि लोग जब काम करके वापस जा रहे होंगे तो वहां से शॉपिंग भी कर लेंगे। तो इन सारी चीजों को स्पष्ट करने में अप्लाइड जियोग्राफी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। यानी कि अलग अलग जो चीजें हैं, हॉस्पिटल को कहाँ पे स्थापित किया जाए, स्कूल या कॉलेज को कहाँ पे स्थापित किया जाए, तो प्राइवेट सेक्टर में अप्लाइड जियोग्राफी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुई। अब हम देखते हैं कि इसकी आलोचना किन आधारों पर की जाती है। तो देखिए पहली बात तो है कि इसमें सिद्धांतों का अभाव है, यानी कि अब्सेंस ऑफ थ्योरेटिकल बेस की जगह कोर कर लीजिए, अब्सेंस ऑफ थ्योरेटिकल कोर। तो देखिए कोर क्या होता है, जिसके चारों तरफ आप कह लीजिए कि एक ऐसा मेन सिद्धांत जिसके चारों तरफ आप अपने अन्य जो सिद्धांत है या अवधारणाएं हैं उनको स्थापित करते हैं। अब जैसे नियतिवादी थे, उन्होंने मान लिया कि जो मनुष्य है वो वातावरण में परिवर्तन नहीं ला सकता है, तो उसके चारों तरफ फिर उन्होंने अन्य अपने सभी सिद्धांत स्थापित किए। जो संभववादी थे, उन्होंने मान लिया कि जो मनुष्य है वो वातावरण में परिवर्तन ला सकता है। तो ये जो मेन चीजें हैं, यानी कि परिवर्तन ला सकता है नहीं ला सकता है, तो ये कोर हो गई। तो व्यवहारिक भूगोल में इस तरह की कोई कोर नहीं है जिसके चारों तरफ इसके सिद्धांत चलते हों, यानी कि ये केवल देखिए मार्केट की डिमांड पे है। अब मान लीजिए एक क्लाइंट ने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा शॉपिंग मॉल कहाँ पे मैं खोलूँ कि सबसे ज़्यादा फायदा हो, तो आप उस पर रिसर्च करने लग गए। अगर उसने कहा कि मैं हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ, तो आप उस पर रिसर्च करने लगे। यानी कि आपके पास कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसके आधार पर आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं, जिसके आधार पर आप निष्कर्षों तक पहुँच रहे हैं। आपसे जो मार्केट में मांगा जाता है, आप उसी के आधार पर अपना नए नए निष्कर्षों पर पहुँचते हैं। तो इसलिए जो सिद्धांतों का अभाव है, इसकी वजह से अप्लाइड जियोग्राफी की आलोचना होती है। अब देखिए अगर सिद्धांत नहीं होगा तो उसकी मुश्किल क्या है, मुश्किल यह है कि फिर फर्दर कोई डिस्कशन के लिए भी ज़्यादा क्षेत्र नहीं बचेगा। मान लीजिए अगर कोई किसी ने संभववाद या नियतिवाद का सिद्धांत डेवलप ना किया होता, तो उन पर डिस्कशन भी नहीं होते, उनका विरोध भी नहीं किया जाता, और फिर ये विषय आगे कैसे बढ़ता। तो जब सिद्धांत देखिए डेवलप किए जाते हैं, तो उन पर डिस्कशन होते हैं, आलोचना समालोचना होती है, और इससे विषय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो व्यवहारिक भूगोल के पास जो सिद्धांत है उनका अभाव है। इसके साथ ही देखिए प्रोजेक्ट के आधार पर सीमित समय के लिए रोजगार मिल पाता है। यानी कि देखिए सिंपल सी बात है, अब एक बार अगर शॉपिंग मॉल इस्टेब्लिश हो गया तो आपको अगली जगह जाना पड़ेगा, वहाँ पे रोजगार की तलाश करना पड़ेगी, यानी कि वो काम खत्म हो गया। इसके साथ ही देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो स्टोडार्ट ने कहा कि तुच्छ एवं नगण्य प्रश्नों पर यह केंद्रित है। तो देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि जो जियोग्राफी का मेन एम है वो ये है कि मनुष्य और जो वातावरण है उसके बीच में किस तरह के रिलेशन है, कैसे दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, किस तरह से इन रिलेशन को सुधारा जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन करना ये जियोग्राफी का मेन उद्देश्य है। यानी कि ये एक एकेडमिक टाइप का सब्जेक्ट है। तो जब इसे हम बहुत ज़्यादा अप्लाइड में बदलने लगते हैं तो क्या होता है, ये केवल क्लाइंट की डिमांड कर पूरा करने वाला एक तरह से अध्ययन बन जाता है, क्षेत्र बन जाता है। यानी कि हमसे पूछा गया कि हमें एक शॉपिंग मॉल कहाँ स्थापित करना है, तो हमारा बस उतना क्षेत्र रह गया। अब जो मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप है हमें उससे कोई मतलब नहीं रह गया, यानी कि ये जियोग्राफी का जो क्षेत्र है उसे सीमित करता है। और जबकि जो जियोग्राफी है उसका आप देखिए जब से हम आपने ही जब मैं जब से आपको
पढ़ा रहा हूँ तो आपने देखा होगा कि मेन फोकस ये रहा है कि मनुष्य और जो वातावरण है वो एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। कुछ लोगों ने उसमें मूल्यों को लाया कि जो मूल्य है उनका स्थान होता है, कुछ लोगों ने कहा कि मूल्य का स्थान नहीं होता है, लेकिन जो कोर थी वो यही रही कि मनुष्य और वातावरण एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। पर जो एप्लाइड ज्योग्राफी है वो इस जो एक तरह से आप कह लीजिए कोर है या जो ये सिद्धांत है इससे दूर हट जाता है और ये फिर केवल इतना ही अध्ययन करता है कि केवल मालूम हुआ जमीन का ही अध्ययन कर रहा है, लैंड यूज या इन्वायरमेंट का अध्ययन कर रहा है, तो एक तरफा इन्वायरमेंट का ही अध्ययन हो रहा है, तो ये भी इसकी एक आलोचना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।